हाय फ्रेंड्स, मैं हूं काजल पटेल और आपका टेस्टी फूड केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजराती स्नैक्स खाकरा। तो चलिए बनाते हैं, केवल और केवल दो चीज़ों से, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और 3/4 कप चावल का आटा। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा अजवाइन, वो भी हाथों पर क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब आपको इस पे आटा डस्ट करके एक रोटी बेल लेना है। रोटी जो है एकदम आपको पतली बेलनी है। अब हम इसे स्क्वायर में कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही गोल भी रख सकते हैं। अब मैं चाकू से इस पर थोड़े थोड़े ऐसे छेद कर लूँगी ताकि ये तलते वक्त ये जो खाकरा है वो फूले नहीं। तेल को जो है वो मीडियम गरम कर लेना है और इस पर हमें खाकरा जो है वो डाल देना है। आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हम बाकी का खाकरा भी इसमें फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं इसका स्पेशल मसाला। मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है छाछ का मसाला। अगर आपके पास छाछ का मसाला नहीं हो तो आप चाट मसाला भी ले सकते हो। उसके बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद आपके मसाला इस खाकरा पर स्प्रिंकल कर दें तो ये बन गए हमारे क्रिस्पी और करारा खाकरा। आप भी इस दिवाली अपने घर पर इसे ज़रूर बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।